हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास नाइन्थ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा और चौथा प्रश्न करेंगे और इसमें भी हमें P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। इसके पहले हम लोग पहला और दूसरा प्रश्न कर चुके हैं, तो आइए अब हम तीसरा प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं और फिर इसके बाद हम जैसा एग्ज़ाम में लिखते हैं उस तरीके से लिख लेते हैं। इसके बाद हमें P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम P0 ज्ञात करेंगे, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। और P0 के लिए ये x वाला बहुपद है, इसलिए हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख देंगे। तो p और x की जगह पर 0 रख देंगे, बराबर यहाँ भी x की जगह पर 0 और 0 का घन कर देंगे क्योंकि x का घन है। तो P0 बराबर 0 का घन 0 ही होता है, तो ये आ गया। अब इसके बाद हम सेकंड करेंगे और P1 निकालना है हमें, तो इसी में अब x की जगह पर हमें 1 रखना है। तो P और x की जगह पर 1 रख दिया, बराबर फिर x का घन है तो 1 का घन हो जाएगा क्योंकि हम x की जगह पर 1 रख रहे हैं। 1 का घन 1 ही होता है, 1 गुणित 1 गुणित 1, यानी 1 एकम 1 एकम 1। इसके बाद हम यहाँ पे P2 निकालना है तो x की जगह पर 2 रखना होगा। तो P यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से फिर ब्रैकेट में x लिखा है तो x नहीं लिखना है, x की जगह पर 2 लिख देना है, ये इस तरीके से, बराबर फिर यहाँ पे x नहीं लिखना है, x की जगह पर 2 लिख देना है और 2 का कर देंगे घन, तो 2 का घन हो गया। अब 2 का घन कितना होगा, तो इसे 3 बार लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, क्योंकि 3 की घात है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 8। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जहाँ पे हमें P0 0 मिलेगा, P1 1 मिलेगा, P2 8, तो हम लिखेंगे अतः अभीष्ट मान P0, P1 और P2 हैं, इस तरीके से 0, 1 और 8। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देख लेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया है PX बराबर X-1 और X+1, और इसमें भी हमें P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर P0 निकालेंगे, तो फर्स्ट P0, तो P0 का मतलब होता है जहाँ जहाँ X लिखा है वहाँ पे 0 रखो। तो x है, x की जगह पर हम 0 रख देंगे, बराबर यहाँ पे x है, x की जगह पर 0 रख देंगे, -1 यहाँ भी x की जगह पर 0 और +1। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो P0 बराबर हमें मिलेगा, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 है, तो 0 का कोई यहाँ पे अर्थ नहीं होता, ना ही गुणा होगा, तो -1 बचेगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे भी 0 हट जाएगा तो +1 बचेगा। तो P0 बराबर प्लस माइनस का पहले चिन्हों का गुणा करेंगे तो असमान चिन्हों का ऋण होता है क्योंकि प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और एक का गुणा एक में करेंगे यानी संख्या का गुणा संख्या में, 1 एकम 1, तो P0 मिलेगा हमें -1। इसके बाद हमें P1 निकालना है, तो हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे यानी कि P1 के लिए, तो पी और वन, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम 1 रख देंगे। तो P1 बराबर x की जगह पर 1 रख दिया, -1 कर दिया, फिर x की जगह पर 1 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया और +1 कर दिया। अब P1 बराबर आगे बढ़ते हैं, 1 में से 1 चला जाएगा तो 0, और 1 और 1 कितना होगा, 2, तो अब इसका गुणा करेंगे 0 में तो 2 0 0 ही हो जाएगा, तो P1 बराबर कितना आएगा, 0। अब इसके बाद हमें P2 भी निकालना है, तो हम थर्ड पार्ट करेंगे P2 के लिए, तो P2 इसका मीनिंग ये होगा कि जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है यहाँ पे वहाँ वहाँ हमें 2 रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ऋण 1 2 धन 1, तो ब्रैकेट में वही लिख लेते हैं, 2 -1 और 2 +1, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो P2 बराबर 2 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 1, और 2 और 1 कितना होगा, 3, अब 3 इसमें ब्रैकेट लगा है तो गुणा हो जाएगा, तो 3 एकम 3, तो ये P2 हमें मिलेगा 3।
तो अभीष्ट मान हमारे हो जाएंगे पी जीरो बराबर माइनस वन, पी वन बराबर जीरो, पी टू बराबर जीरो, पी टू बराबर तीन है इस तरीके से। तो ये प्रश्न क्रमांक दो समाप्त होता है। अब हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न क्रमांक 3। थैंक यू।